हे गाइस, आपका मोस्ट वेलकम है टेक ऑफिस से। और अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ रेडमी का K20 Pro, जिसके अंदर मैंने फ्लैश किया है लीनेज ओएस का एक अनऑफिशियल बिल्ड। जी हाँ, जिसे फिलहाल मैं वन डे से यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी ज्यादा मजा आया है इसे यूज करके, और काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है इसका फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स। क्योंकि अब तक जितने भी है जो बिल्ड आए हैं कस्टम रोम्स के हमारे K20 Pro और साथ साथ MI 90 Pro, सब में एक ही इशू रहा था, वो है बिग इशू फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स। क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं रहता था, हमें कई बार अटेम्प्ट करना पड़ता था इसे अनलॉक करने के लिए। बट अब है जो इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया कि वन टाइम में जो इसे अनलॉक कर पाओगे और सेम फीलिंग आएगी जैसा कि आपको MIUI के रोम को यूज करने पर आता है। सो गाइज, मैं इस वीडियो में आपको इसका फुल कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे यूजर्स ये कहते हैं कि भाई हमारे इंडियन वर्जन में फ्लैश नहीं होता है, क्योंकि ये जो रोम है चाइना यूजर्स के लिए है, हमारे इंडियन यूजर्स में है नहीं। जब भी मैं फ्लैश करता हूँ तो एरर देखने को मिलता है। सो डोंट वरी गाइज, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे दूंगा कि इसे फ्लैश कैसे करना है अपने फोन के अंदर। ऐसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे दिया है Android 10 के फ्लैशिंग का, बट यहाँ पे मैं आपको फ्लैशिंग मेथड भी बताऊंगा और क्या कुछ बेनिफिट मिलता है और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर, वो सारी चीजें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बस एक थम्सअप देना है भाई, आपका थम्सअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, ताकि हम और वीडियो बना सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि एंड्रॉयड वर्जन है जो आपको 17 के अंदर एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है, और ये लीने जो है इसका अनऑफिशियल वर्जन जो कि 17.0 है। और बिल्ड डेट की बात की जाए तो 9 दिसंबर का आपको बिल्ड देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 5 नवंबर का देखने को मिलता है। वेंडर सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे 1 अक्टूबर है। अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो बाकी चीज़ें देखने को मिलती है, और यहाँ पे कर्नेल है जो प्रीफ का यूज किया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वही सारी चीज़ें, मल्टी अकाउंट्स वगैरह अपडेट का सेशन है, बट एक अनऑफिशियल बिल्ड है। जस्टर्स में स्क्रीनशॉट का फैसिलिटी और एंड्रॉयड 10 का बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार के अंदर क्विक पुल डाउन, यहाँ पे जो टाइटल्स कितना रखना है अपने रो एंड कॉलम का, वो भी आप मेंटेन कर पाओगे, तो ये भी ऑप्शन दे दिया गया लीनेज के अंदर, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि ऑटो डिवाइस के लिए ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आइटम को आप शो एंड हाइड कर सकते हो अपने स्टेटस बार के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है क्लॉक की पोजीशन, सेकेंड, AM/PM, बैटरी परसेंटेज, स्लाइडर, ब्राइटनेस और ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सारी चीजें। प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे कैमरा के अंदर आपको जो साउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, कौन सा आप साउंड रखना चाहते हो पॉपअप कैमरे के लिए, और LED का आपको जो लाइट उसे इनेबल रखना है या फिर आपको डिसेबल रखना है, ये भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। बटन के अंदर आते हैं तो सो एरो की वेन ट्राइंग, यहाँ पे जो इन्वर्ट का आपको मिल जाता है, होम का बटन का मिलता है, पावर मेनू आपको मिल जाते हैं, साथ है इंड लॉन्ग प्रेस, वेकअप, एंसर, और यहाँ पे बाकी वॉल्यूम पैनल वगैरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लेफ्ट या राइट है जो सेट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम अपने कैमरे की बात करें और यहाँ पे हम सेल्फी इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो लाइट देखने को मिलेगा आपके कैमरे के ऊपर, और जैसा कि आपको MIUI में साउंड इफेक्ट आता है, सेम साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और आप यहाँ पे GCam वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब मजे से GCam से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, फोटोज क्लिक कर पाओगे, पोर्ट्रेट वगैरह भी यूज कर पाओगे, तो नो इशू इन GCam। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, तो फिर से हम चलते हैं सेटिंग्स की ओर, और आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट डिजिटल वैल्यूइंग जो कि बताता है आपने क्या क्या यूज किया। फिंगरप्रिंट परफेक्ट वर्किंग है, फेस अनलॉक तो भाई अभी तक मिला नहीं है और पता नहीं कब आएगा। आगे की ओर आते हैं साउंड्स के प्रोफाइल में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वाइब्रेशन वगैरह, और यहाँ पे डायरेक्ट साउंड इन्हेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑफिशियल MIUI पे भी देखने को मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे आप खुद से फॉन्ट्स वगैरह क्रिएट कर पाओगे, नेक्स्ट करके नेटवर्क टाइप कैसा चाहिए वो आप कर सकते हो, कलर क्या चाहिए, आइकन शेप क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर पाओगे, और उसे अप्लाई भी कर पाओगे, तो ये अप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी कमी आपको देखने को मिलता है, वो है एक्सपेंडेड डेस्कटॉप मोड। जी हाँ, ये अभी एरर देता है, अगर आप इस पर टाइप करोगे तो आपको एग्जिट कर देगा सेटिंग से, या फिर फोर्स क्लोज भी शो करेगा, या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ इस तरह का इशू आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट अपडेट में इसे फिक्स कर दिया जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए बगी है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आते हो तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप ऑलवेज ऑन स्क्रीन भी यहाँ पे इनेबल रख सकते हो, ताकि आपका फिंगरप्रिंट है जो एक्यूरेट काम करे, डबल टैप करना ना पड़े, और टाइमिंग वगैरह भी है जो शो हो, तो ये भी आप जो यहाँ पे यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप जैसा यूज करना चाहते हो उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। एम्बियंट के अंदर आपको ऑलवेज ऑन पिकअप हैंड वैन पॉकेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और साथ साथ एंटी फ्लिकरिंग भी आपको दिखाई देता है। बैक की ओर चलते हैं तो आपका वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ है, तो परफेक्ट वर्किंग है, कोई भी इशू जिनपे नहीं आता है। अभी मैं कुछ टाइम से फिलहाल यूज कर रहा हूँ, तो क्या है वो भी मैं आपके डिटेल है जो शो कर दूंगा एज अ स्क्रीन शॉट। और स्टैंड बाय बैटरी बैकअप क्या मिली है, चलिए उसके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि स्टैंड बाय ड्रेनिंग आखिर कितनी होती है। तो मैंने इसे यूज करना लेफ्ट किया था 77% पे नाइट के 8:23
पीएम पे और मॉर्निंग पे जब मैं चेक करता हूँ तो बैटरी परसेंटेज आ जाती है ये है 68। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी की जो ड्रेन देखने को मिलता है वो है 5% का। जी हाँ, वो भी इंटरनेट ऑफ पे। आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन मैंने ऑफ कर रखा है, एयरटेल का सिम है, जब भी 5% का बैटरी ड्रेन मिला है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा भाई 5% का बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वो भी इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होने पे। इसे कम से कम 1-2% होना चाहिए था, जबकि मेरा AOD स्क्रीन भी ऑन नहीं था। तो बैटरी की ड्रेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगी है, बट अभी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट बिल्ड है जिसमें इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया फिंगरप्रिंट को लेकर, तो थोड़ा वो तो कॉम्प्रोमाइज बनता ही बनता है। यहाँ पे आपका जो AnTuTu का स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, कमाल का, जो कि 4340 का है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा। वहीं पर अगर 11 के सपोर्ट की बात की जाए तो भाई आपको 11 का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन प्राइम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज कर पाओगे, कोई भी इशू यहाँ पर जो देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हूँ इसके फिंगरप्रिंट को लेकर। आप इसे इजीली रूट कर सकते हो और माइग्रेट ऐप से सारे ऐप्स का जो रीइंस्टॉल करके यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आपका माइग्रेट प्रॉब्लम करता है तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो दिया है, आप उसे वॉच कर लेना। और रही बात कि यहाँ पे प्ले स्टोर का, बहुत सारी वजह से ये कहते हैं कि प्ले स्टोर हमारा सर्टिफाइड है या नहीं, तो चलते हैं प्ले स्टोर की सेटिंग्स की ओर और मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि आपका प्ले स्टोर का जो है ये डिवाइस सर्टिफाइड है, तो आप बैंकिंग ऐप वगैरह भी ये चीज़ यूज कर पाओगे। अब आते हैं डायरेक्ट इसके हम फ्लैशिंग के मैटर के ऊपर, किसे फ्लैश कैसे करना है हमारे K20 Pro के लिए। तो उसके लिए आपको स्विच करके जाना होगा अपने T2.pk की ओर। T2.pk में स्विच करते ही आपको जो ऑरेंज फॉक्स का यूज करना है, मे बी अदर T2.pk आपको जो एरर 7 का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको ऑरेंज फॉक्स का यूज करना है लेटेस्ट वाले T2.pk का। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डेलविक कैच सिस्टम वेंडर डेटा, इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है और वाइप कर देना है। इंटरनल स्टोरेज का बैकअप बना लेना, अदरवाइज आपको एरर 7 का प्रॉब्लम आएगा तो आपको इंटरनल फॉर्मेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल आपको वाइप कर देना है, वाइप करने के बाद होम पे जाना है और सबसे पहले आपको फ्रेमवर्क जो वेंडर है उसका यूज करना है, जो कि 11.0.1 है, और इसे यहाँ पे फ्लैश कर देना है। ये आपको अधिकतर टाइम जब आप फर्स्ट टाइम फ्लैश करोगे तो एरर 7 देता है। तो आपको T2.pk से फॉर्मेट करना होगा, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो फ्लैश करनी होगी, उसके बाद आपको जो इस तरीके से फ्लैश करना होगा 1x1 करके सारे ऐप जिप फाइल को, अदरवाइज आपको एरर 7 देखने को मिलेगा अदर T2.pk पे। आफ्टर कंप्लीट फ्लैश आपको जो यहाँ पे लीनेज है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऐड टू पे क्लिक करके आपको गैप सेलेक्ट कर लेना है, ऐड टू पे क्लिक करके DM डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन को सेलेक्ट करके तीनों को आपको यहाँ पे फ्लैश कर देना है। आफ्टर कंप्लीट फ्लैश जस्ट वाइप कैच करना है और क्लिक कर देना है आपको रिबूट के ऊपर, और फर्स्ट बूट में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।